Hello and welcome back to MechZone. In the previous lecture, we have started off with the analysis of key, और उसमें हम लोग ने specially sun key के बारे में पढ़ रहे थे. And today, we shall be continuing from the point that we have left in the previous lecture, that is design of key by shear criteria. So ये जो हमारी key थी, it is actually subjected to tangential force FT. This is subjected to a tangential force FT, and ये जो मैंने hatched या shaded portion है, this is actually representing the sheared area. This is actually representing the sheared area. This is the width B of the key. This is T by 2. This is also T by 2. This is actually the length of the key, and here also we are having the tangential force, that is FT, which is acting. Okay, now this hashed portion is representing the tangent shear area, and tau induced would simply become FT upon B into L. Tau induced is FT upon B into L. So tau is force upon area, so area would be B into L. And for the consideration of safe design, we would write tau induced is less than or equals to tau permissible. ये equation हम लोग strength of materials में भी अपने use करते हैं कि tau induced should always be less than or equals to tau permissible. अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो definitely हमारा member fail कर जाएगा. Now as the key is rotating, क्योंकि key हमारी क्या कर रही है, key is undergoing rotation, so टॉर्क इज एसोसिएटेड विथ इट. यहां पर एक टॉर्क भी आ जाएगा बिकॉज इट इज रोटेटिंग. तो जो टॉर्क होगा इट वुड बी सिंपली एफ टी इंटू डी बाय टू, वेर वॉट इज डी, डी इज द शाफ्ट डायामीटर, डी इज द शाफ्ट डायामीटर, एंड टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू डी बाय टू, सच दैट एफ टी और द टेंजेंशियल फोर्स इज टू टी अपॉन डी. ठीक है, ये हो गया 2t अपॉन d. तो अगर यहां हमसे करें tau induced is less than or equals to tau permissible, तो tau induced कितना आ गया हमारा, tau induced आ गया 2t अपॉन dbl. ठीक है, क्योंकि ft की वैल्यू हम कहां रख देंगे, ft की वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे. ठीक है, तो हो जाएगा 2t अपॉन dbl into tau permissible is actually this is equals to tau induced. ये हो गई हमारी वैल्यू tau induced की. एंड फ्रॉम हियर इफ वी विश टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द टी मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क, सो वी विल राइट डी बी एल अपॉन टू इन टू tau permissible. सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, सो दैट इट डज नॉट अंडरगो अ शियर फेलियर. ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि किसी भी की शियर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि उसमें टॉर्क के कारण कोई भी शियर फेलियर नहीं होगा. तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है वो टॉर्क के टर्म्स में हम लोगों ने डिराइव कर ली. नाउ क्योंकि हमने देखा था यहां पर हमारे क्रशिंग फेलियर भी होगा, तो अब हम जो अपना डिजाइन है वो क्रशिंग फेलियर के रिस्पेक्ट में भी करेंगे. तो ये वाला जो एरिया है हमारा, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द क्रशिंग एरिया, एंड दिस इज टी बाय टू, एंड दिस इज ऑल्सो टी बाय टू. तो जो हमारा सिग्मा इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्रशिंग हो जाएगा, इट वुड बी टेंजेंशियल फोर्स एफ टी डिवाइडेड बाय टी बाय टू इंटू एल. तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्रशिंग. Now, if we write the safe condition, that is sigma induced should be less than or equals to sigma permissible, so sigma induced should be less than or equals to sigma permissible, and sigma induced can be simply written as 2t upon t by 2 into d into l. ये हो जाएगा हमारा sigma induced, क्योंकि यहां से हमें वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट 2t अपॉन t by 2 into d by l. ये कहां से, हमने ft की वैल्यू उठाकर रखी है अपने एक्सप्रेशन में, तो दिस इज सिंपली बट 4t अपॉन dt
एन एंड दिस इज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल. तो यहां से जो हमें टी मैक्स पता चलेगा, टी मैक्स इज इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा परमिसिबल अपॉन 4 इंटू डी टी एल. सो दिस इज एक्चुअली करस्पॉन्डिंग टू द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. सो दिस इज एक्चुअली द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ की इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. टॉर्क के टर्म्स में हम लोगों ने यहां पर क्रशिंग स्ट्रेंथ को भी डिराइव कर लिया है. तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वी टेक द स्मॉलर वन, स्मॉलर डायमेंशन. और अगर हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो वी कंसिडर द लार्जर सेक्शन. ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए स्मॉलर लेते हैं और डायमेंशन के लिए लार्जर ले लेते हैं. तो यहां हमने इसको क्रशिंग के लिए भी डिजाइन कर दिया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द की, अब हम बात करेंगे हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ की. एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ की अगर हम बात करें तो इट इज द मिनिमम ऑफ टी मैक्स शेयरिंग और टी क्रशिंग. तो टी मैक्स शेयरिंग हमने ऑप्टेन किया है और हमने टी मैक्स क्रशिंग भी ऑप्टेन किया है. तो इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, हम उसको कंसिडर कर लेंगे. एंड टेपर अगर हम बात करें टेपर की, तो टेपर इन की इज गिवन इन द थिकनेस. यहां पर हमने टेपर कहां पे दिया है, थिकनेस में दिया है. वहां पर हमने विड्थ में दिया था. तो थिकनेस में अगर हमने यहां पर दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम फॉर. ठीक है, तो थिकनेस हमारी आप देख रहे हैं कि वैरी कर रही है, वेयर एज विड्थ यहां पर हमारी सेम रहेगी. सो जनरली द टेपर इज प्रोवाइडेड इन द की एंड दिस टेपर इज मेनली प्रोवाइडेड ऑन द थिकनेस सेक्शन. ओके, सो नाउ वी विल हैव सम कंपैरिजन बिटवीन की एंड द क्वार्टर. ओके, वी विल हैव सम कंपैरिजन बिटवीन द की एंड द क्वार्टर. सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द की एंड क्वार्टर कैन बी, key is actually a temporary fastener which is inserted between the shaft and the assembly so as to transmit the power by preventing the relative motion. But in case of the quarter, it is a temporary fastener which is inserted between the two coaxial rods to transmit axial load from one rod to the another rod. The second difference is taper is provided in the thickness and here the taper was provided in the width. The third is it is driven parallel to the shaft. This is driven parallel to the shaft and it is driven perpendicular to the rod. Ye driven parallel to the shaft hota hai, it is driven perpendicular to the rod. In the key, it is subjected to single shear failure. But in the quarter, we find that it is subjected to double shear failure. So, ye the hamare four differences and these four differences have been asked in ESE a number of times and SSC JE के हमारे जो subjective paper होते हैं उसमें भी इसको पूछा गया था. और एक चीज और, यहाँ पर जो हमारा shear area होगा, the shear area is B into L, whereas the shear area in case of the quarter is actually 2BT. तो यहाँ पर हमारा shear area ये है, यहाँ पर हमारा shear area ये था. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ की. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द की एंड इन दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द संग की एंड द सैडल की. द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आर द संग की एंड द सैडल की. इन केस ऑफ द संग की, इट इज हाफ इन द हब एंड हाफ इन द shaft. Okay, keyway is also in the hub and shaft. Hub mein bhi hota hai iska keyway aur shaft mein bhi hota hai. The next point is key is responsible for power transmission. This is mainly responsible for power transmission. And the last point is it is actually involved for high power
ट्रांसमिशन, जब हमारा पावर ट्रांसमिशन हाई होता है देन वी आर गोइंग टू यूज द सन की, एंड इन द सैडल की इट इज ओनली इन द हब, ये सिर्फ हब में ही रहती है. सेकेंड, की वे इज इन हब ओनली, ये हब ही होता है. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, यहां पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर एंड इट इज यूज फॉर लो पावर ट्रांसमिशन. जैसे यहां पर हाई पावर ट्रांसमिशन था वैसे इट इज यूज फॉर लो पावर ट्रांसमिशन. ओके, लो पावर ट्रांसमिशन में हम इसको यूज करेंगे. अब जो हमारा सैडल की है, द सैडल की कैन ऑल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू द टू कैटेगरीज. वन कैटेगरी इज कॉल्ड एज द हॉलो सैडल एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द फ्लैट सैडल की. तो इनको हम लोग दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज हॉलो सैडल की और दूसरा है फ्लैट सैडल की. द फ्लैट सैडल की इज मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हॉलो सैडल की विथ रिस्पेक्ट टू पावर ट्रांसमिशन. अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा फ्लैट सैडल की जो है इट इज मच मोर बेटर एंड सुपीरियर एज कंपेयर टू द हॉलो सैडल की. So now we will discuss about some of the advantages of saddle key. So the different advantages of the saddle key are, first, the cost is less as there is no need to produce any keyway. यहाँ पर हमारी cost जो है वो कम है क्योंकि यहाँ keyway बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा cost क्या हो जाता है, कम. Stress concentration factor भी हमारा क्या होता है यहाँ पे, कम. स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर इज ऑल्सो लेस. द थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट इंक्रीजेज. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द थ्री एडवांटेजेस ऑफ द सैडल की. नाउ वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ संक की. एक्चुअली संक की होता है, मैंने सन की लिख दिया, सॉरी वो गलती से. तो संक की होता है, सबसे पहले इसमें हमारी होती है फेदर की. सबसे पहले होती है हमारी फेदर की, एंड फेदर की इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेलल की. इट इज अ टाइप ऑफ पैरेलल की, एंड हियर वी आर एक्चुअली हैविंग द एक्सियल रिलेटिव मोशन. यहां पर जो होता है वो है हमारा एक्सियल रिलेटिव मोशन. सो इट इज अ टाइप ऑफ संक की. ये कैसी है, ये तो एक संक की का ही एक टाइप है. द की इज फिक्स्ड आइदर विद द शाफ्ट और विद द हब. या तो ये शाफ्ट के साथ फिक्स कर दी जाती है या तो हम इसे हब में फिक्स कर सकते हैं. थर्ड इज इट कैन परमिट एक्सियल रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड असेंबली. एक्सियल रिलेटिव मोशन बिटवीन शाफ्ट एंड असेंबली कैन बी मेड पॉसिबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ संक की इज कॉल्ड एज द वुडरफ की. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ संक की जो है हमारी वुडरफ की, एंड वुडरफ की का इफ आई ड्रॉ द डायग्राम इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक दिस. ओके, सो इट इज एक्चुअली लुकिंग समहाउ लाइक दिस. तो ये हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप पोर्शन हो जाता है. सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप पोर्शन, ओके, ये हो जाता है सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक पोर्शन. और यहां पर हम देखेंगे कि इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ संक की, क्योंकि ये संक की का ही एक क्लासिफिकेशन है. सो इट इज अ टाइप ऑफ संक की. It can align itself, hence used in the tapered shaft. ये कहाँ use होती है हमारी? Tapered shaft में use होती है, because it has the tendency to align itself. Extra depth in the shaft provided more power transmission capacity. अगर shaft में हम लोग extra depth में इसे insert कर देते हैं, तो power transmission capacity हमारी बढ़ जाती है. Increased power transmission capacity will be there. Okay, now another type of sunk key are
रेक्टेंगुलर एंड स्क्वेयर संक की, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वेयर संक की. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा संक की स्क्वेयर हो गया तो ऑल द डायमेंशंस विल बी लुकिंग सेम. दिस इज एक्चुअली ए, दिस इज ऑल्सो ए. बट इफ इट इज अ रेक्टेंगल संक की, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड हेंस दिस बिकम्स अ रेक्टेंगुलर संक की. सो a rectangular sunk key is more stable as compared to the square sunk key and it is used for most of the industrial applications. Hamara jo rectangular wala sunk key hai wo square sunk key comparison mein zyada stable hai and it is widely used for industrial applications. Ye hamare industry ke bahut sare applications mein use kiya jata hai. Okay, now the next type of sunk key we will discuss is splined की. हमारा ये है splined की. So I will draw the diagram. ठीक है. So दिस इज अ टाइप ऑफ की सच दैट इट इज नॉट अ संक की. मैंने यहां गलती से बोल दिया था इट्स अ टाइप, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ संक की. ये संक की का क्लासिफिकेशन नहीं है. इट इज यूज फॉर द एक्सियल रिलेटिव मोशन. ये कहां यूज होगी? एक्सियल रिलेटिव मोशन के केस में हम इसे यूज करेंगे. इट इज यूज इन द गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. और कहां यूज होती है? गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है. कीज आर इन बिल्ट विद द शाफ्ट. ये क्या होती है? शाफ्ट के साथ पहले ही बिल्ट होके आती है. देयरफॉर इट इज इन बिल्ट विद द शाफ्ट. द कीवेज आर इन बिल्ट विद द हब. यहां पर जो कीवेज है, कीवेज आर इन बिल्ट विद द हब. ओके. इट परमिट्स द एक्सियल रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड हब. शाफ्ट एंड हब के बीच में इट हैज द टेंडेंसी टू परमिट एक्सियल रिलेटिव मोशन. एक्सियल रिलेटिव मोशन परमिट करता है. एंड ये तो मैंने आपको बताई दिया, इट इज यूज इन द ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस में हम इसे यूज करते हैं. सो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज पैरेलल एंड टेपर्ड की. पैरेलल एंड टेपर्ड की. तो पैरेलल की अगर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल, देन वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द प्रिज्मैटिक सेक्शन. पैरेलल का मतलब क्या होगा? हमारा सेक्शन जो होगा इट विल बी प्रिज्मैटिक. तो ये हो गई हमारी पैरेलल की. एंड टेपर्ड की वुड बी लाइक समहाउ ऐसे हो जाता है. ठीक है. यहां पे थिकनेस हो गई टी, ब्रेथ हो गई बी. दिस इज एक्चुअली अ टेपर्ड की. थोड़ा डायग्राम एक्चुअली गलत बन गया है. डायग्राम ये ऐसे बनेगा. ठीक है. तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा टेपरिंग पोर्शन है. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इट वॉज बेस्ड अपॉन कीज. And the next chapter that we shall be starting is, और उस chapter का नाम है bearing. तो bearing भी हमारा बहुत important chapter है. इससे भी कई सारे variety के questions पूछे जाते हैं. So I hope you people are enjoying our lectures. Do give us your valuable feedbacks, क्योंकि आपके feedback से हमें अपने channel को improve करने में बहुत ज़्यादा help मिलती है.
और आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड एंड एवरीबडी इज बेनिफिटेड इन इंडिया। और काफी लोग हमें फ्रांस से भी, एक व्यक्ति का फोन मतलब मैसेज आया था हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर आई एम व्यूइंग योर लेक्चर्स इन फ्रांस ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो हेल्प है, हमारा जो इनिशिएटिव है, ये जो स्टार्टअप है, ये सबकी मदद कर रहा है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में हर कोई इतना केपेबल नहीं है, इतना मतलब उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोचिंग्स अटेंड नहीं कर पाते। सो इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया ताकि हम इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट रिमूव कर सके, क्योंकि इंजीनियरिंग कर लेना इज नॉट द एम। आप अपनी इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी सोसाइटी का कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑन बेयरिंग्स।